बहुत ही प्रीमियम अनलिमिटेड ओडिया बुफे, जहां सभी कुछ अनलिमिटेड, जैसे ये चार प्रकार के चावल और गर्मा गर्म पूरी और कई प्रकार के ताजे ताजे सब्जियां, साथ में है अनलिमिटेड खीर और अनलिमिटेड मिठाई। और ये अनलिमिटेड ओडिया थाली मात्र 299 टैक्स मिला के। नाम है जगन्नाथ भोग और ये रहा इसका एड्रेस। और यहाँ वीकडे में फुल थाली में 25% ऑफ रहता है। वीकडे का मतलब मंडे से फ्राइडे। आइए देखते हैं अंदर का एम्बियंस कैसा है। एंट्रेंस में ही शानदार सा फूल का तश्तरी। इनका दो सिटिंग एरिया है, ये रहा ग्राउंड फ्लोर सिटिंग एरिया। और यहाँ के दीवारों पर उड़ीसा के फोटोज, यहाँ भगवान शिव और पार्वती भी मौजूद, और पूरा हॉल सुंदर सा साफ सुथरा। यही एंट्रेंस से एक रास्ता फर्स्ट फ्लोर के तरफ गया है। और फर्स्ट फ्लोर पर जाने वाली सीढ़ी पर छोटे छोटे गमले बड़ा खूबसूरत लग रहे हैं। और फर्स्ट फ्लोर में बैठे हैं भगवान श्री जगन्नाथ, जो भगवान श्री कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। फुल थाली में 25% ऑफ सिर्फ वीकडेज में। और ये रहा अनलिमिटेड फुल थाली का मेनू कार्ड। वीकडेज में 399 वाला 299 में पड़ेगा। और ये पखाला थाली में चार तरह के राइस के जगह एक राइस मिलेगा और पूरी नहीं मिलेगी, बाकी सब कुछ। ये वीकेंड्स में भी 299 और 199 में ये लिमिटेड थाली भी यहाँ मौजूद है। और 80 रुपया में यहाँ अनलिमिटेड गुपचुप भी मौजूद। चलिए शुरू करते हैं हमारा अनलिमिटेड फुल थाली केले के पत्ते पर। मुझे याद है बचपन में शादियों में इस तरह से भोजन परोसे जाते थे। मुंबई में पहली बार जमीन से जुड़ा हुआ भोजन करेंगे इन केले के पत्तों पर। तो हमारे केले के पत्ते बिछ चुके हैं और भगवान श्री जगन्नाथ का भोग लगना शुरू। बड़ा ही हेल्दी है ये करेला का चिप्स। और साथ में परोसा गया कुछ बड़ा ही हेल्दी सलाद, और इसके साथ हमें मिला देसी टमाटर का चटनी। बचपन में ये टमाटर की चटनी और ये आलू चोखा खा के बड़ा तृप्ति होता था। ये लाल भाजी साग और ये ड्रमस्टिक कितना हेल्दी होता है ये तो आपको भी पता है। साथ में मिला बिल्कुल घर गोथी दाल फ्राई, और इसके साथ है उड़ीसा स्पेशल दालमा, दाल विथ हरी सब्जी। और इसके बाद आया मेरा फेवरेट आलू परवल बेसन तरकारी, और इसके साथ है उड़ीसा स्पेशल संतुला, जो कि है मिक्स वेजिटेबल। गर्मा गर्म बैगन फ्राई से इस थाली में चार चांद लग गया। इस थाली में है चार प्रकार के चावल, जैसे ये कर्ड राइस स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक, और साथ में उकड़ा चावल बॉइल्ड राइस जो सेहत के लिए बहुत फायदेमंद। इसके बाद है बासमती जीरा फ्राई, लंबे लंबे बासमती दानों से बनी। और चौथा चावल है मीठा खिचड़ी या मीठा पुलाव, देशी घी और ड्राई फ्रूट से बनी हुई। एक ही थाली में चार प्रकार का चावल, इधर मुंबई में शायद इधर ही मिलता होगा। इसके बाद आया पापड़ और गर्मा गर्म पूड़िया, और आया एक उड़िया स्पेशलिटी टमाटर चारू।
खट्टा मीठा टमाटर का शोरबा और फिर आया ताजी ताजे दही। और ये सभी आइटम अनलिमिटेड। और अब आया अनलिमिटेड मीठी खीर और अंत में आया इनका स्पेशल मिठाई खीर मोहना, एकदम फ्रेश और जूसी। हमारा जो ये थाली है, ये केले का पत्ता देखिए कैसा भर गया है। विडंबना है कि कहां से क्या शुरू करें। पहले हम थोड़ा शर्माए, घबराए और फिर सामने जो दिखा बस ठूस लिए। मेरा जीवन संगिनी को राइस फ्राई के साथ दालमा बड़ा ही पसंद आया। और मुझे तो साहब प्लेन दाल फ्राई और उकड़ा राइस और उस पर टमाटर का शोरबा और साथ में आलू का चोखा, एकदम बचपन के दिन याद आ गए। मुंबई में बहुत 5 सितारा होटल में दावत उड़ाई, मगर ऐसा तृप्ति कहीं नहीं मिला। और ये गर्मा गर्म पूरी के साथ आलू परवल की सब्जी, एक नंबर। और इस गर्मा गर्म पूरी के साथ खीर मोहना वाज ऑसम। और पूरी के साथ खीर वाज अल्टीमेट। मगर इस थाली का स्टार अट्रैक्शन था खीर मोहना। अनलिमिटेड था तो पूरा पैसा हमने यहीं से वसूल किया, और वीकडे था तो भगवान श्री जगन्नाथ का ये भोग हमें पड़ा मात्र 299 टैक्स मिला के।